लालू जी प्रेरणा हैं, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के धरोहर हैं। हम इनसे सबक लेते हैं और जनता के बीच अपने मालिकों के बीच जाते हैं उनके निर्देश पर। लालू जी हमारे नेता हैं। प्रणाम एवं दुहार करता हूं। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सुदूर इलाका में लालू जी और राबड़ी जी, तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी के इतने लोग चाहने वाले हैं। आप इसलिए लालू जी से प्रेम करते हैं कि आपको मैं पुराने दिन को याद करना चाहता हूं। क्या जो कुंडा प्रखंड है, उन्हीं के द्वारा घोषणा किया गया था एवं प्रखंड का निर्माण कराया गया था। नीतीश जी को वोट मिला था बहुत, 88 या कुछ लाख मिला था, पूरा याद नहीं है। ये दोनों वोट हमारा बढ़ गया, नरेंद्र मोदी तरह तरह निकल गया। आज जब हम लगे जीतने तो आरएसएस को मालूम हुआ कि लालू पढ़ रहा बिहार में, लालू पढ़ रहा बिहार में, तो सारा शक्ति लगाया, सारा जुटा हुआ कि लालू को कमजोर करो, लालू को कमजोर करो। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो ये कौन होता है कमजोर? 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, ये 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। ये भी बताओ नरेंद्र मोदी जी कि 8-14 महीना में एक भी काम किए हो तो बताओ। क्या बोल रहा नौजवानों? कौन वो क्या बोलता? स्किल ना, स्किल डेवलपमेंट करो, माने ग्रासी पीटो बाल्टी बनाओ। नहीं जब हम तो IIT में वो बनाओ स्किल, बताओ 5000 का भी नौकरी MBA पास लड़का लड़की को नहीं मिल रहा, मारा मारा चल रहा है। हम हैं और रहेंगे आपके ब्लेसिंग से। तेजस्वी ने जो कहा है, राघोपुर ही नहीं पूरे बिहार में टेक्निकल एजुकेशन का जाल बिछवा देगा लालू। हमारा पूरा ये बिहार, सारा बिहार एक हो गया है सब जगह, आ सब जना एक हो जाए हेलो, आ लालू के नजर में सब लोग बराबर। हमारा विषय में अफवाह मत सुनी हेलो, सब भाई हमारे बराबर बा, सब माई हमारे माई बारी से, आ सब बहन हमारे बहन बारी से आते लालू जी हमारे नेता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज के धरोहर हैं। जिन्होंने कहा था 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी कि इस्लाम खतरे में है, उन्होंने संदेश दिया था कि देश बटेगा या रहेगा। बीजेपी की सरकार ने
देश बांटने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राजद ने हमेशा बीजेपी के मंसूबों को चकनाचूर किया। अरे ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड, उठो उठो पिछड़ो गरीब लोगो। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का पिछड़ा का खत्म किया जाए। मोच में दम है तो कर दू, हिम्मत है तो कर। सोए हुए लोगों को जगाने का तुम काम कर रहे हो, हमारा अधिकार। ये कहां ले जाना चाहता, ये तिरंगा झंडा नहीं भगवा झंडा फहराना चाहता। कोई भी भाजपा हो या कोई हो, कोई भी इसकी हिम्मत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है कि यहां हमारी सरकार बनने से रोक देगा। हमारे पूर्वज भीमराव अम्बेडकर ने जिल्लत की जिंदगी जीकर भी हमारे धरोहर के रूप में संविधान दिया था। हमारे पूर्वज जिस तरह से अपने धन दौलत इज्जत आबरू को सजो करके रखते थे, उसी प्रकार से अपने आने वाले धरोहर को भी भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इसको संजो कर रखना, जब जब तुम पर आफत आएगी यही संविधान तुमको रक्षा करेगा। अफसोस, प्रजातंत्र के सरे सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के आगे संविधान को जलाया जा रहा है। लालू जी के नहीं रहने के कारण भारत में सभी मिटपराय हैं, जो अपने को मसीहा कहते हैं और सुरक्षित सीट से जीत कर आते हैं। लालू जी के नहीं रहने के कारण हम जैसे गरीब गुरबों के मान मर्दन हो रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में हमें बांधा था, रात में कोयल कू करते थे तो हमारे कवि परेशान हो जाते थे और कहते थे कि तुम में तो कूक करने की स्वतंत्रता है लेकिन मुझे तो स्वतंत्रता भी नहीं है, जैसा कि लालू जी के साथ हो रहा है। उन्हों भी जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है और कूक करने की इजाजत नहीं है। फिर आएंगे जुमला लेकर के, फिर नई बातें लेकर के आएंगे, लोगों को उल्लू बनाने का काम करेंगे। इससे हम लोगों को सावधान रहना है। ये लोग दंगा फसाद कराना चाहता है, हिंदू मुसलमान में लड़ाना चाहता है, और जब तक सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है, जब तक इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, इंसान नहीं रहेगा तो गुरुद्वारा में मत्था कौन टेकेगा, इंसान नहीं रहेगा तो चर्च में जाकर के प्रेयर कौन करेगा। ये भाईचारा, यही हमारी देश की खूबसूरती है। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, तब भी हम एक हैं। इस एकता को आप लोग बना करके रखने का काम कीजिए। और आज हम यहाँ लालू जी के पुत्र के हैसियत से नहीं खड़े हैं, ये जो धर्म अधर्म की जो लड़ाई है, आप सबों का धर्म पुत्र बन के मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस धर्म पुत्र का आप लोग आने वाले समय में रक्षा करने का काम कीजिएगा। यही हम कहना चाहते हैं मित्रों, देश बचाइएगा ना, भाजपा भगाइएगा ना। ये लोग बड़े जहरीले लोग हैं, जहर और विष फैलाने का काम करते हैं आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग। हम लोग विकास की बात करते हैं, ये लोग विनाश की बात करते हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, ये लोग टकरार की बात करते हैं। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग भारत की बात करते हैं, ये लोग इंडिया की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अपने मालिकों के बीच भेजा है। हम आदरणीय लालू जी का आरजी और विनती के लेकर आए हैं। सबसे पहले आप संगठित हो, एकत्रित हो, क्योंकि एकता में ही बल है। और कलयुग में कहा भी गया है, संघ है शक्ति कले जुग। अंग्रेज भी कहा था, फूट डालो राज करो। और भारत को यदि अधिक दिन तक गुलाम रखना है तो इसके आपस में मतभेद रखो। जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, कामयाबी आपके चरण नहीं चूमेगी। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू प्रसाद यादव जी का एक मैं अनुशासित सिपाही हूं और उनका संदेश लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं।
श्री लालू प्रसाद यादव जी 18 मई 18 को हमको चतरा लोकसभा की तैयारी करने के लिए बोले, तो मैंने समझा कि हमारे नेता जो सामाजिक न्याय के धरोहर हैं, जब इतना एडवांस कह रहे हैं, कहने के पीछे कुछ न कुछ रीजन है और उनसे हम लोगों को सीखने का मौका मिला है कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। हमारे नेता आदरणीय लालू जी भी कहा था, बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले, मुर्गी पालने वाले, लकड़ी चुनने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, लेकिन सांप्रदायिक शक्ति के लोग ने इस नारे को हाशिए पर डाल दिया और लालू जी का उद्देश्य वह नहीं था कि जो हमारा गरीब आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ नहीं है फिर भी पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ोगे तो जागोगे और जागोगे तो पाओगे। जैसा कि आज रघुवर जी की सरकार स्कूल में इनके द्वारा तालाबंदी किया जा रहा है, एक पंचायत में एक ही स्कूल रहेगा, स्कूल में ताला नहीं लगाया जा रहा है, आपकी जबान पर ताला लगाया जा रहा है। जैसा कि रोस्टर में भी प्रावधान किया गया है, तो हमारे नेता लालू प्रसाद तेजस्वी यादव राबड़ी देवी जी ने कहा है, मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ, हमारे नेता के प्रयास का ही फल था, जातीय जनगणना उपयोगन की सरकार ने कराया। हमारी मांग है कि सच्चर कमेटी का भी रिपोर्ट आ गया है और जातीय जनगणना के आधार पर हमें आरक्षण मिले। हम गणेश जी के दूध पिलाने पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं, नफरत के बीज बोते हैं जो अब नहीं चलेगा और जनता जाग चुकी है। जनता इसके आने वाले चुनाव में इसका पुरजोर विरोध करेगी और पाई पाई का हिसाब लेने का काम करेगी।